1150 रुपए में खरीदिए और 3550 रुपए में बेचिए। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए, ये प्रोडक्ट सबसे हटके है और इसके डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक पीस बेचने पर आपको लगभग लगभग 2000 रुपए की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोडक्ट को अगर आप अभी मार्केट में लेने जाते हैं, जैसा मैं आपको दिखाने वाला हूं कंप्लीट, इस प्रकार से अगर मार्केट में आप लेने जाते हैं तो शायद ही किसी दुकान पर यह प्रोडक्ट देखने को मिले। यानी कि अगर आप 10 दुकानों पर जाओगे, शायद ही एक ऐसी दुकान हो जिस पर यह प्रोडक्ट देखने को मिले, वरना 9 दुकानें आपको पूर्ण रूप से मना कर देंगी कि अभी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको लो इन्वेस्टमेंट यानी कि कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी। और डिमांड की बात करें तो जो 9 दुकानें मैंने आपको बताई हैं जो अभी इस प्रोडक्ट को नहीं रख रही है, अगर आप उनके पास लेकर जाते हैं तो वो सभी आपसे ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। यानी कि अभी अगर आप इस अकेले एक प्रोडक्ट के साथ बिजनेस शुरू करते हैं तो आप शुरुआत में ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, किस गाड़ी का है, कैसे सेल करना है, कैसे खरीदना है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, विजय बिजनेस गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप बाइक देख रहे हो दोस्तों, ये बाइक अभी तक ज्यादातर सिटी में लोग पसंद करते थे। यानी कि इसकी सबसे ज्यादा डिमांड अगर कहीं थी तो ये सिटी में थी एक्सट्रीम की। लेकिन अब क्या है दोस्तों, इसकी धीरे धीरे डिमांड लोअर क्लास विलेज जो है या कस्बे हैं या सिटी है उनमें भी शुरू हो गई है। अब हर जगह इसकी डिमांड शुरू हो गई है। जब इस गाड़ी की हर जगह डिमांड शुरू हो रही है तो इसके जो पार्ट्स हैं दोस्तों, वो अभी हर जगह उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हीरो की ज्यादातर गाड़ियों के पार्ट्स हर जगह उपलब्ध होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनके पार्ट्स हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। उसी प्रकार की एक्सट्रीम बाइक है जिसके भी पार्ट्स हर जगह नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मैं कुछ समय पहले दिल्ली गया था तो दिल्ली में एक पार्टी के पास मुझे ये प्रोडक्ट देखने को मिला जो मेरे हाथ देख रहे हो। ये प्रोडक्ट वहां देखने को मिला तो मैंने उनसे ये प्रोडक्ट देखा और मैंने उनसे पूछा कि भाई ये प्रोडक्ट कैसा है और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो उन्होंने बताया कि ये बेंडर वाला माल है, 100% जेनुअन। यानी कि जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये 100% जेनुअन है, लोकल नहीं है, और ये अभी मिल गया है, आगे मुश्किल है कि मिल पाए। अगर अभी आपको चाहिए तो ले जाइए। तो दोस्तों, मुझे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जब कोई नया प्रोडक्ट मिलता है और जेनुअन मिल जाता है तो मेरी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि भाई मैं चेक करता हूं कि इसकी डिमांड है या नहीं है, कैसा प्रोडक्ट है। तो मैंने उनसे 100 पीस की डिमांड की, भाई मुझे 100 पीस आप दे दीजिए। तो उन्होंने 100 पीस मुझे भेज दिए। तो ये पीस जब मेरे पास आई, मैं मार्केट में जब इसको लेकर गया तो दोस्तों, मैं खुद इस चीज से चकित रह गया कि इतना अच्छा प्रोडक्ट मैं भूल कैसे गया था, अभी तक क्यों नहीं सेल कर रहा था। जिस भी दुकान पर जाता था और उनको बोलता था भाई ये 100% जेनुअन प्रोडक्ट है ना, कैसे जेनुअन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं, मैं क्वालिटी आपको दिखाता हूं। ये जेनुअन की दोस्तों अलग ही क्वालिटी होती है। देखिए, आप देख रहे हैं, आप जेनुअन की क्वालिटी जो होती है ना वो बिल्कुल हटके होती है। और ये जो गिरारी आप देख रहे हो, ये गिरारी मार्केट में आप कोई भी लेने जाओगे, बहुत ही कम ऐसा कोई हब सेंटर हो या क्लिक कंप्लीट जो हो उसमें ये लग के आता हो, लेकिन इसमें क्या है, ये गिरारी लग के आ रही है। और इस गिरारी की अकेले कीमत 1500 रुपए से लेके 2000 रुपए के बीच में है। बात समझना, जब ये गिरारी अकेले इतने रुपए की है, उसके बाद ये असेंबली पूरी, तो ये पूरा जो सेट है, जब मैं दुकानों के पास लेके गया, मैंने दुकानदार को दिखाया कि भाई मेरे पास ये जेनुअन आया हुआ है, इसकी क्वालिटी आप देखिए। जब तो क्वालिटी देखी, बोले कि यार अभी ज्यादा डिमांड तो नहीं है लेकिन क्वालिटी आपकी अच्छी है और प्रोडक्ट है तो बिकेगा। तो ज्यादातर दुकानदारों ने इसको खरीदा। हाँ, ये बात अलग थी कि जो दूसरे हमारे प्रोडक्ट होते थे उनकी क्वांटिटी 20 पीस 50 पीस होती थी, तो लोगों ने बोला कि भाई अभी ज्यादा डिमांड तो नहीं निकल रही है, लेकिन आप एक काम कीजिए, ज्यादा नहीं, दो दो पीस मुझे दे दीजिए। यानी कि जिस भी दुकान पर जा रहा था तो दो पीस तो वो रख ही रहा था। जो बड़ी दुकान थी, जो आसपास क्षेत्र में सप्लाई देती है, जिनके पास ज्यादा मतलब कि मैकेनिक आते हैं सामान खरीदने के लिए, उन्होंने 5 या 10 लिए, वरना ज्यादातर दो दो पीस तो हर दुकानदार ने लिए। बोले यार भाई इतना अच्छा माल है, इतनी अच्छी क्वालिटी। आप फिनिशिंग देखिए दोस्तों, मैं आपको फिनिशिंग दिखाता हूं, एक बार देखिए, जेनुअन की फिनिशिंग ही अलग होती है। देख रहे हो आप, ये देखिए, और बैक साइड से भी देखिए,
जो जेनुअन की फिनिशिंग होती है दोस्तों, ये सबसे हटके होती है, इसकी फिनिशिंग की बात ही अलग होती है। तो यही दोस्तों यहां पर हुआ कि जब मैं दुकान पर लेकर गया, जिस भी दुकान पर जा रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया ये 1150 रुपए में मुझे पड़ा है, तो मैंने इसको क्या किया 1500 रुपए में मार्केट में देना शुरू कर दिया। दोस्तों क्या होता है कि होलसेल में है ना, मैं कम मार्जिन रखता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है जब मैं इसको अपने क्षेत्र में, दिल्ली से मैं बहुत पास में हूं, तो मैं अपने क्षेत्र में इसको बेच रहा हूं 1500-1600 रुपए। तो अगर आप दिल्ली से दूर है तो 1800-2000 रुपए तक में आप आसानी से सेल कर सकते हो। और अगर आपकी खुद की दुकान है, आपके यहां मैकेनिक काम करते हैं, आपके यहां ये गाड़ी अगर आती है, तो 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए में आप ये किसी भी गाड़ी में डाल सकते हो। एसटीएम जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी, तो उसमें आप ये डाल सकते हो। अब बात समझना दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट होलसेल में अगर आप दिल्ली से मंगा रहे हो, 1150 में मिल रहा है, और वो अगर 3500 रुपए या 4000 में बिक रहा है, तो कितनी बड़ी प्रॉफिट हो गई। अगर आप क्वांटिटी से काम कर रहे हो, होलसेल से काम कर रहे हो, तब तो आपको भाई इतना मार्जिन नहीं मिलेगा, लेकिन मार्जिन फिर भी मिलेगा। एक दुकान पर आप जाते हो, 2 पीस दे रहे हो, 1 पीस पर अगर आपको 300 रुपए या 400 रुपए बच रहे हैं होलसेल में, तो एक दुकानदार को अगर 2 पीस दिए तो 800 रुपए हो गए। दिन में अगर 5 दुकानों को भी माल बेच दिया, तो 8×40 4000 रुपए आपने एक दिन में कमा लिए, केवल एक प्रोडक्ट बेच के जो मेरे हाथ में देख रहे हो। और ये दोस्तों अभी किसी पैकिंग में नहीं आ रहा है, सादा इसी प्रकार की पन्नी पैकिंग आ रही है, ये जो आप देख रहे हो आप, तो इस प्रकार से ये पैक मुझे मिला था, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस प्रकार से ये पैक होकर आ रहा है। और इसे दोस्तों मार्केट में अभी अगर आप लेकर जाते हैं, क्योंकि अभी क्या है ज्यादातर दुकानों पर ये उपलब्ध नहीं है। भाई बिजनेस करने में तब मजा आता है जिस दुकान पर हम चला जाए और वो दुकानदार हमें ऑर्डर दे दे। अभी इस प्रोडक्ट कोई अनाड़ी भी बेच सकता है, जिसको मार्केटिंग का जरा भी नॉलेज नहीं है, जरा सी भी बातचीत करनी नहीं आती है, वो भी अगर इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाता है, बोलता है सर मेरे पास ये एक्सट्रीम का है, कंपनी जेन्युइन है, ब्रांडेड है, और क्वालिटी वो देखेगा दुकानदार, तो बोलेगा ठीक है ऐसा कीजिए आप 2 पीस ही दे दीजिए, 1 पीस ही दे दीजिए, 5 पीस दे दीजिए, यानी कि कुछ ना कुछ दुकानदार आपसे लेगा। जितनी भी दुकानें आपको मिलेंगी सभी ऑर्डर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसा है दोस्तों, इस प्रकार के प्रोडक्ट बहुत कम मिलते हैं। भाई मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्ट तो मिलते हैं, पर वो क्या है, कॉफी या तो मिलते हैं या फिर लो क्वालिटी का माल मिलता है, लेकिन जेन्युइन माल अगर आपको मिल जाए और वो भी हीरो का, तो कोई बात ही अलग है। जैसा कि मैंने बताया कि अब एक्सट्रीम जो गाड़ी है, इसकी डिमांड है ना लोकल क्षेत्रों में भी होने लगी है, बहुत ज्यादा चल रही है। जब चल रही है तो ये प्रोडक्ट तो बिकना ही है ना दोस्तों, तो इसका आप बिजनेस कर सकते हैं। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई ये प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, हम इसका कैसे बिजनेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई अगर मुझे इसका बिजनेस करना है, तो इस बिजनेस में मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। दोस्तों एक चीज समझिए, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि एक पीस लगभग आपको 1150 रुपए का पड़ रहा है। अब 1150 के हिसाब से अगर आप 50 पीस भी मंगाते हैं, तो लगभग लगभग आपको 60000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ये आपको याद रखिए, 60000 रुपए के लगभग आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, या 55000 या 60000 रुपए के करीब हम मान लेते हैं, 60000 रुपए के लगभग इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और इतने माल को, यानी 50 पीस आप मंगा रहे हो, तो 50 पीस मार्केट में सेल करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन लगने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यही है, भाई हमने एक दिन में केवल 10 पीस बेची। वैसे तो आप दिन में 20 या 50 पीस बेच सकते हो, लेकिन मैं 10 पीस की बात कर रहा हूं कि इस प्रकार से एक एक करके आपने 10 दुकानों को 10 पीस बेच दिए, तो आप 5 दिन में 50 पीस सेल कर दोगे। और हर पीस पर अगर आपको 500 रुपए की ही प्रॉफिट रखी, बात समझना, तो आपने कितना कमाया, 500 × 50 × 25, यानी कि 25000 रुपए करीब आपने कमा लिए। कैसे, सिर्फ एक हब सेंटर बेच के, वो भी 5 दिन में। अगर इसी को हम रिपीट कर देते हैं, महीने में 2 या 3 बार उसी माल को बार बार मंगा लेते हैं, तो 80 से 90 हजार रुपए तक आप कमा सकते हो सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचकर। और अभी इसकी डिमांड है। हाँ, जब आप एक बिजनेस करने लगोगे, फिर इसके साथ साथ फिर दूसरे प्रोडक्ट भी ऐड करते जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जल्दी बिकेगा। आप ये तो मैं फिर भी कहूंगा दोस्तों, आज आपने माल खरीदा, किसी दुकानदार को दे दिया, तो वो आज नहीं बेच पाएगा इसको। हो सकता है उसको डालने में 6 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, तो उतने समय तक वो आपसे ये दोबारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो एक बार एक दुकानदार को आप देके आ रहे हो, तो 6 महीने के लिए भूल जाइए कि वो आपको इस चीज को ऑर्डर देगा। लेकिन तब तक आपको वो ऑर्डर दे रहा है, फिर दूसरे प्रोडक्ट का आप चुनाव कर सकते हो। मेरे दूसरे वीडियो आप देखिए, जो हमने आपको बताए हुए हैं, उन वीडियो को आप देखिएगा, उनमें जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, उस प्रोडक्ट के साथ आप बिजनेस शुरू कर लीजिए, फिर तीसरे प्रोडक्ट, फिर चौथे प्रोडक्ट। आपको यहां सबसे बड़ा फायदा यही है कि प्रोडक्ट आप हर बार बदलते रहिए, एक बार ये लेके जाइए, एक बार दूसरा लेके जाइए, एक बार तीसरा लेके जाइए, हफ्ते में आप हर दिन जाइए, प्रत्येक दिन अलग अलग पार्ट्स लेके जाइए। 7 दिन जाएंगे, अलग अलग पार्ट्स लेके जाएंगे, तो अलग अलग
डिमांड होगी। तो इस प्रकार से आप केवल एक प्रोडक्ट के साथ बिजनेस शुरू करके पैसे कमा सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, चलो मैं इसका बिजनेस करना चाहता हूं, मैं ये मंगाना चाहता हूं, पर मंगाऊं कहां से, कौन मुझे ये यही क्वालिटी का माल देगा जो आप मेरे हाथ दिखा रहे हो, यही क्वालिटी मुझे चाहिए, पर देगा कौन, किसके यहां से खरीदें, बिल्कुल आप सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, आप मंगाना चाहते हैं, तो आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली करोलबाग मार्केट, वहां पर आपको थोड़ी तलाश करना है, वहां बोलना है एक्सट्रीम का मुझे क्लेज हब सेंटर चाहिए, असेंबली पूरी जो है ये असेंबली चाहिए विद गिरारी, जो गिरारी आप देख रहे हो, ये गिरारी जो आपकी है विद गिरारी चाहिए, मैं आपको क्वालिटी यहां पर दिखाई दे रहा हूं, इस प्रकार की क्वालिटी आपको वहां पर चूज करनी है। तो इस क्वालिटी को अगर आप वहां से ले लेते हैं तो आपको बहुत बेहतर है और बिजनेस शुरू कर दो। लेकिन अगर आप दिल्ली करोलबाग मार्केट नहीं जाना चाहते, आप सोचते हैं भाई मैं वहां कहाँ जाऊंगा, पता नहीं मुझे कोई अच्छा दुकानदार मिले ना मिले, मेरे साथ कहीं धोखा ना हो जाए, इसलिए अगर आप चाहें तो ये माल मुझसे भी खरीद सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई आप मुझसे संपर्क कैसे करें। दोस्तों मैंने कुछ वीडियो नीचे बनाए थे जिसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, उन वीडियो को आपको खोजना होगा। डायरेक्ट दोस्तों मैं नंबर यहां नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जो लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो उनको थोड़ी सी मेहनत अनिवार्य है, थोड़ी मेहनत कर लें और मुझसे संपर्क करें। तो नीचे 4-5 वीडियो लगातार है जिन वीडियो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उन वीडियो को आप देखिए, वहां से व्हाट्सएप नंबर लीजिए और मुझसे संपर्क कीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है, जो नंबर आपको वहां मिलेगा डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आपको क्या करना है उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जाना है, हेलो भेजना है, और इसके बाद आप अपना नाम, अपना एड्रेस और किस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं इतनी डिटेल डाल दीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं फ्री होता हूं, उसके बाद मैं आपके जो भी क्वेश्चन है उसका रिप्लाई दूंगा और आपको बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट कब मिल सकता है, कैसे मिल सकता है और कैसे आपको ये डिलीवर होगा, सारी जानकारी हम आपको वहां पर दे देंगे। तो आपको डायरेक्ट वहां पर कॉल नहीं करनी, क्योंकि आप लोग ज्यादातर कॉल कर देते हैं और मैं उस समय बिजी रहता हूं, इसलिए आपकी कॉल रिसीव नहीं हो पाती है। तो इसका आपको ख्याल रखना है दोस्तों, कभी भी कॉल कर रहे हैं तो पहले समय ले लीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर फ्री नहीं होता हूं, जब भी आप कॉल करते हैं मैं कहीं ना कहीं बिजी रहता हूं, फिर आप लोग सोचते होंगे कि भाई मेरी कॉल रिसीव नहीं हो रही है, तो पहले आप टाइम ले लीजिए। और जो लोग टाइम लेकर कॉल करते हैं उनको मैं बाकायदा टाइम देता हूं, उनसे बातचीत करता हूं और उनका ऑर्डर भी लेता हूं। तो अगर ऑर्डर देना चाहते हैं ये प्रोडक्ट या इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसा प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड कैसी है। दोस्तों ये हर गाड़ी का होता है, ये नहीं केवल एक्सट्रीम जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसी गाड़ी का आते हैं, सभी गाड़ियों के आते हैं, हीरो में, बजाज में, टीवीएस में, जो भी गाड़ी है सभी में ये लगता है। लेकिन जेन्युइन अगर किसी गाड़ी का मिल जाए ये सबसे अलग बात होती है। तो ये जेन्युइन है और ये मुझे मिल गया था इसलिए मैंने मंगाया और इसको मार्केट में मैंने सेल करके देखा तो दोस्तों काफी अच्छी निकल रही है, लोग खरीद रहे हैं। तो मैं चाहता हूं अगर आप अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आप लोग भी इसका बिजनेस करें और पैसे कमाएं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।